आज हम अपने चावल साफ कर रहे हैं फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मैंने चावल मंगाए थे मार्केट से नहीं मंगाए थे, मैंने गांव से चावल मंगाए थे फ्रेंड्स। तो ये बोरी बंधी हुई थी और हमको पता नहीं था कि इस चावल में इतना ज़्यादा भूसा है और इतना ज़्यादा चावल टूटा हुआ है। तो जब हमने बोरी खोली तो हमें बहुत सारा इसमें टूटा चावल मिला और ये धान की भूसी भी इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो हम इसको सूप से पछोड़ रहे हैं। देखिए हम इसकी सफाई कैसे कर रहे हैं। तो जब भी चावल बनाने चलते थे तो हमको बहुत दिक्कत होती थी, एक एक करके हमको जब बनाना होता था तब हमको इसको साफ़ करना रहता था। तो हमने आज सोचा कि इकट्ठे हम इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें छोटा छोटा सा कूड़ा निकल रहा है, छोटी छोटी सी चावल की जो किनकी होती है वो निकल रही है। तो ये देखिए, इसको हम छान ले रहे हैं ऐसे करके, इसको छान लेंगे और ये छोटी छोटी सी जो किनकी है हमारी, ये निकली आ रही है। ये देखो, ये सब निकल रही है। तो इसका हम बनाएंगे, इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में डाल के, तो हमारा चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। और चावल के आटे से हम बनाएंगे लड्डू और चावल के फरे बनाएंगे। तो हमारी मशीन चल रही है, थोड़ा हमारे कपड़े भी धुले जा रहे हैं इधर, तो आप लोग बिल्कुल भी आवाज़ को इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, आवाज़ को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारे चावल हैं जो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे और अब हमारे ये सारे चावल साफ़ हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल साफ साफ चावल आ गए हैं, समूचा चावल हमें मिल रहा है। और ये सारा टूटा हुआ चावल ये सारा इस थाली में गिर रहा है। तो आप देखिए, हम फिर से छान रहे हैं चावल। ये देखिए, हमारा कटोरा है जो जिसमें छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं, हम इसी से चावल को चाल रहे हैं। हमने कोई चलना वलना नहीं मंगाया है, हमारे पास कोई चलना है भी नहीं फ्रेंड्स। तो हम ट्राई कर रहे थे इससे पहले कि देख रहे थे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमने जब इससे चाल के देखा तो हमारा ये चावल छोटा छोटा सारा टूटा चावल सारा हमारा इससे छेद से निकल रहा है और अच्छा अच्छा चावल हम स्टोर कर ले रहे हैं। ये देखिए, हमने टंकी भी रख रखी है, इसी में हम अच्छा अच्छा चावल रख रहे हैं। और ये जो हमारा छोटा चावल है इसको हम दूसरी थाली में, ये देखिए कितना सारा निकल आया है, ये सारा टूटा है। तो आज सुबह से हमने बहुत काम किए हैं, खाना भी बनाया है। आज हमने बनाई है आलू परवल की सब्ज़ी। आलू परवल की सब्ज़ी हमने कैसे बनाई है उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा, बने रहिएगा हमारी वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कि हमने सब्ज़ी कैसे बनाई है। ये हमने परवल ले लिए थे, परवल को हमने छील लिया है। पहले हमने परवल को छील लिया था, उसके बाद हमने इसको धुल लिया है। धुलने के बाद हम इसको कट करेंगे। आलू भी हमने छील लिए हैं, इसी तरह से छीलने के बाद हमने आलू को भी धुल लिया है। और अब हम इसको लंबा लंबा बीज से काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम परवल को किस आकार में काट रहे हैं, तो ऐसे हमें काट लेना है। तो देखिए आप, सब्ज़ी हमारी कट कर रेडी है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म होने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो देखिए, हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल डालना चाहती हैं तो रिफाइंड से भी आप बना सकती हैं। तो ये हमने तेल ले लिया है और इसी तेल में हम अपने आलू और परवल दोनों को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। अगर आप फ्राई करके सब्ज़ी बनाएंगी परवल आलू की तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे परवल और आलू। परवल आलू हमारा फ्राई हो चुका है। तो देखिए, हमारी कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा है तो तेल को हम निकाल लिए हैं कटोरी में। और अब बचे हुए तेल में हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, जो कि मैंने पहले से छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है। और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे मसाले।
तो मसाले में हम लेंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, जिसको जिसका हम घोल बना लेंगे और घोल बनाकर हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जब मसाला हमारा तेल छोड़ने लगेगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। एक टमाटर मैंने लिया है छोटा, और फिर हम नमक डालेंगे स्वादानुसार और अच्छे तरह से टमाटर को पका लेंगे। जब टमाटर हमारा गल जाएगा तब हम इसी में डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई सब्जी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें डाल देंगे सब्जी और अच्छे से चला देंगे। तो सब्जी हम ग्रेवी वाली बनाएंगे तो हम एक गिलास पानी डालेंगे। अगर आप सूखी बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए। उसके बाद फिर ढक्कन खोल कर इसको चला लीजिए। फिर 5 मिनट के बाद आप ढक्कन खोल कर इसको चला दीजिए। तो देखिए 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर रेडी है।